नमस्कार, मेरा नाम गणेश कलिता, मैं आसाम गुवाहाटी से हूँ। मेरा बेटा को एक्चुअली क्या हुआ था, यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड आया था और टीथ में ब्लड आया था, तो वहाँ लोकल डॉक्टर को हम दिखाया था। उन लोग टेस्ट करके बोला है इसका तो प्लेटलेट नहीं है, इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तब तो इसको ठीक होगा। तो वहाँ तो आसाम गुवाहाटी में ऐसा नहीं मिला, तो हम लोग जसोदा हॉस्पिटल आ गए गणेश सर के पास में, आके ठीक हुआ। अभी तो मेरा लड़का बढ़िया है, खुद सब कुछ सॉल्व फिर सकता है, कॉलेज भी कभी कभी जाता है लड़का, अभी फिलहाल ठीक है। गणेश सर को बार बार थैंक यू बोलता हूँ और जसोदा हॉस्पिटल को थैंक यू बोलता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश जयशेटवार, सीनियर हिमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा से। पिछले 12 साल से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। आज हम लोग एक नया विक्ट्री आपसे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ प्रियानुज, एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, 18 साल का, फ्रॉम गुवाहाटी। डेढ़ साल पहले प्रियानुज को जानलेवा बीमारी, अप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो फेलियर हुआ था और उसकी अवस्था काफ़ी गंभीर थी। ऐसे परिस्थिति में हाफ मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रियानुज के पिताजी उनसे स्टेम सेल्स लेके किया गया और आज लगभग एक साल हो गया है, प्रियानुज पूरी तरीके से स्वस्थ और क्योर हो चुका है। सो अप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर्स, ब्लड की कोई भी बीमारी, इसका उचित इलाज करने से सारी बीमारियों का पूरी तरीके से क्योर हो सकता है और ना कि जस्ट क्योर, ना कि जस्ट इन बीमारियों से मुक्ति, ऐसे ट्रांसप्लांट पश्चात ऐसे मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ और हमारी तरह ही नॉर्मल हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एनीबडी हैविंग एनी ब्लड प्रॉब्लम्स, किसी भी ब्लड समस्या, ब्लड कैंसर, कोई भी ब्लड की समस्या हो, उसका उचित निदान उपचार करने से इस बीमारी से पूरी मुक्ति पा जा सकती है और इस बीमारियों से पूर्णतः क्योर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड कैंसर्स आर नॉट द एंड ऑफ द रोड, इनफैक्ट इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। थैंक यू।